इसके वक्त के दायरे से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसको बताने के लिए हम ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ब्लैक होल है क्या चीज़? ये एक स्टार है जो अपनी उम्र के आखिरी मरहले में आके पूरी ज़िंदगी जीने के बाद एक ब्लैक होल में बदल जाता है। वो कैसे बदलता है उसके बारे में साइंस की बहुत कम मालूमात है। बदल जाता है, बदलने के बाद ये करता क्या है, हमारा जो हम रात में देखते हैं सितारे सैारे जो भी वाइट वाइट रोशनी, उसके बीच दरमियान जो भी काला ब्लैक दिखता है हमको, वो पूरा स्पेस टाइम है। ये स्पेस टाइम है। तो हमारा ब्लैक होल जो स्टार ब्लैक होल में तब्दील हो गया, वो ब्लैक होल स्पेस टाइम को करता क्या है, इस तरह बेंड कर देता है। स्पेस टाइम को इस तरह बेंड कर देता है। बेंड करने के उसे क्या होता है, इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। ग्रेविटी इन्फिनिट इमेंस बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा हो जाती है कि उसकी तरफ जो भी चीज़ आती है इन्फिनिटी स्पीड से उसके पास चले जाती है। हत्ता के लाइट रोशनी है वो लाइट उसके अंदर चले जाती है और वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी तेज़ी से खींचती है उसको, इसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमारे को काला दिखाई देता है, ब्लैक स्लेप, इसका नाम ब्लैक होल है। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट बताते हैं कि क्या अगर कोई इंसान यहाँ पे जा सके, इसका इवेंट ऑफ ऑरिजिन ये है, इवेंट ऑफ ऑरिजिन के अंदर अगर चले जाए कोई इंसान तो मर जाएगा, पता नहीं कुछ हो जाएगा, मालूम नहीं उसके अंदर कोई चीज़ अभी तक गई नहीं है, गई सर चीज़ वापस नहीं आई, इसलिए इसके बारे में नहीं मालूम है। अगर अंदर चले, अंदर गए बगैर इसके बाहर इवेंट ऑफ ऑरिजिन के बाहर कुछ टाइम बिता सके, मतलब उसकी ग्रेविटी के, इसके खींचने के पावर के ऑपोजिट साइड में हम कुछ स्पीड लगा के उसके वहाँ पे रुक सके या कुछ टाइम बिता सके, 5 मिनट बिता सके, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी स्पीड होगी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर स्पीड इन्फिनिटी हो गई, अब मैं यहाँ से बेरूर जाना चाहता हूँ, स्पीड बस की स्पीड में जाना चाहता हूँ, तो कितना होगा, 3 घंटे होगा शायद। तो अगर मैं हेलीकॉप्टर में जाऊँ, स्पीड बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, टाइम कम होता घटता जाएगा। अगर स्पीड एकदम इंतहाई स्पीड ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा, टाइम को एक मौका आएगा कि टाइम ज़ीरो हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा। यहाँ पे वही होता है, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, इन्फिनिटली ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी इन्फिनिट हो जाती है कि टाइम रुक जाता है वहाँ। अगर कोई इंसान वहाँ पर रुक सके, 5 मिनट बिता सके, तो वहाँ पर वो इंसान के लिए टाइम रुक जाएगा, लेकिन हमारे अर्थ में ब्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ साल गुजर गए होंगे। तो मतलब क्या, वो इंसान अगर वापस आ सके तो वो इंसान टाइम को डिफाई कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन हमारी जो ये फिजिकल लाइफ है उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब अगर हम वहाँ जाएं तो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, जो भी हमारे पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो कलैप्स हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जी नहीं सकते। इससे मतलब क्या मालूम हमको, हमारी कायनात और हमारा वक्त जो भी है दायरा, उसका एक दायरा है, उसकी एक लिमिट है, उससे बाहर भी कुछ है, हम जा नहीं सकते उसके बाहर, हम जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि मर जाएंगे। तो हमारी कायनात और वक्त का एक दायरा है, उसके दायरे के बाहर की जो भी चीज़ें हैं साइंस हमको नहीं बता सकती, जो भी दायरे के अंदर हैं उनको एक हद तक साइंस बता सकती है, समझा सकती है। अब अल्लाह ताला के बारे में क्या आता है, इन्ना अल्लाह सरीउ हिसाब, सरीउ मतलब क्या, तेज़, फास्टेस्ट हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट मतलब उससे फास्ट कोई भी चीज़ नहीं है कायनात में, उससे फास्ट चीज़ कोई भी नहीं है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, इन्फिनिटी से भी ज़्यादा, पूरी जो स्पीड की हद होगी, जो नंबर की हद होगी, वो स्पीड उसकी होगी। तो अगर टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड में हम ये फार्मूला में अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, टाइम उस खालिक के लिए, क्रिएटर के लिए टाइम होगा ज़ीरो होगा टाइम। तो खालिक जो भी कायनात का बनाने वाला खालिक टाइम और कायनात के बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर अगर होता तो साइंस समझा सकती, लेकिन बाहर है इसलिए साइंस समझा नहीं सकती। साइंस का हदूद है, उसके अंदर जो भी चीज़ है एक हद तक समझा सकती है साइंस, उसके बाहर की चीज़ें जो भी जन्नत जहन्नम जो भी चीज़ें हैं उसको साइंस समझाने से कासिर है। ये सब जान के रहे हो, अभी इलान मास्क स्पेस की जो तैयारी कर रहा है, इलान मास्क उसके बारे में बताया गया।